हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में सिंपल लिफ्टिंग मशीन ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका सिक्स्थ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके फाइव प्रॉब्लम्स लिए थे, उसी के साथ साथ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट के कुछ दूसरे टॉपिक्स भी कवर किए थे। तो इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें सिंपल लिफ्टिंग मशीन का सिक्स्थ प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए, क्वेश्चन रहेगा, इन अ सर्टन मशीन 100 न्यूटन इज लिफ्टेड बाय एन एफर्ट ऑफ 8 न्यूटन एट एन एफिशिएंसी ऑफ 60%, फाइंड एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन एंड द लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम सिंपल लिफ्टिंग मशीन के वही फॉर्मूलेस का यूज करेंगे जो हमने फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। तो अगर आपने सिंपल लिफ्टिंग मशीन का फर्स्ट लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो आप याद से स्टडी कर लीजिएगा, उसमें आपको सिंपल लिफ्टिंग मशीन में यूज होने वाले सभी फॉर्मूलेस मिल जाएंगे। तो चलो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन डाटा लिखेंगे, देन हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है इन अ मशीन, सबसे पहले हम यहां गिवन लिख लेते हैं। तो यहां पे इन मशीन 100 न्यूटन इज लिफ्टेड बाय एन एफर्ट ऑफ 8 न्यूटन ऐसा लिखा है। 100 न्यूटन जो है ये लोड दिया है, ये लोड को लिफ्ट किया जा रहा है बाय मींस ऑफ एफर्ट ऑफ 8 न्यूटन। जो एफर्ट दिया है एफर्ट को पी से शो करेंगे और जो लोड है लोड को डब्ल्यू से शो करना होता है। तो लोड यहां पे कितना दिया है, लोड दिया है दैट इज 100 न्यूटन का, और ये लोड को लिफ्ट करने के लिए कितना एफर्ट लग रहा है, 8 न्यूटन का एफर्ट लग रहा है, इट मींस पी हो गया 8 न्यूटन। क्वेश्चन को आगे पढ़ो तो आगे लिखा है एट एन एफिशिएंसी ऑफ 60%, एफिशिएंसी का परसेंटेज दिया है, इसका मतलब परसेंटेज एन दिया है, कितना दिया है 60% दिया हुआ है। और क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, तो यहां लिखा है फाइंड द एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन, एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन इसका मतलब पी एफ फाइंड आउट करना है, और लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है इसका मतलब डब्ल्यू एफ फाइंड आउट करना है। तो गिवन डाटा हमने यहां लिख दिया है, तो चलो अब हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं और पी एफ और डब्ल्यू एफ फाइंड आउट करेंगे। पी एफ मतलब एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन और डब्ल्यू एफ मतलब लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन। और ये पी एफ और डब्ल्यू एफ फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला हमने फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, चलो हम यहां फिर से बता देते हैं। पी एफ फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, अगर आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं है तो आप फॉर्मूला अभी के अभी अपने नोट पैड में लिख के रखो। तो पी एफ फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है दैट इज पी माइनस पी आई, ये फॉर्मूले से आप पी एफ फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आपको डब्ल्यू एफ फाइंड आउट करने का फॉर्मूला चाहिए तो डब्ल्यू एफ का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू आई माइनस डब्ल्यू। तो ये दोनों फॉर्मूले से हमें पी एफ और डब्ल्यू एफ फाइंड आउट करना है, ये कंफर्म है। तो चलो अब हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन अगर आप ये फॉर्मूले में ध्यान से देखेंगे तो यहां पे पी माइनस पी आई, पी मतलब एफर्ट होता है, तो पी आई मतलब क्या, तो पी आई मतलब आइडियल एफर्ट होता है। उसी तरह से डब्ल्यू आई माइनस डब्ल्यू यहां करना है, तो डब्ल्यू तो हमें पता है लेकिन डब्ल्यू आई नहीं पता, डब्ल्यू आई मतलब आइडियल लोड होता है, यहां पे आई लगा है, आई मतलब यहां पे आइडियल होता है, और आइडियल एफर्ट यहां पे आई लगा है मतलब ये हो गया आइडियल लोड, ठीक है। और आइडियल एफर्ट और आइडियल लोड अभी हमें गिवन डाटा में नहीं पता तो हमें वो अलग से निकालना पड़ेगा। तो यहां पे पी आई और डब्ल्यू आई का फॉर्मूला क्या रहेगा, तो चलो वो भी हम फॉर्मूला बता देते हैं। यहां पे पी आई का फॉर्मूला होता है दैट इज डब्ल्यू बाय वी आर, ये फॉर्मूले से आप आसानी से पी आई फाइंड आउट कर सकते हैं। और डब्ल्यू आई फाइंड आउट करने का भी फॉर्मूला होता है, डब्ल्यू आई फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है पी इंटू वी आर, ठीक है। तो फाइनली फॉर्मूलेस आपके सामने आ रहे हैं, बस यही फॉर्मूलेस का यूज करके हमें सॉल्व करना है। तो चलो अब हम यहां पे पी आई और डब्ल्यू आई फाइंड आउट करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको वी आर चाहिए। देखो यहां पे भी वी आर है, यहां भी वी आर है, वी आर मतलब वेलोसिटी रेशियो, और वेलोसिटी रेशियो गिवन डाटा में दिया है क्या, नहीं दिया है, तो वेलोसिटी रेशियो आपको अलग से निकालना पड़ेगा, और वो निकालने के लिए हम इफिशियंसी का फॉर्मूला यूज करेंगे। और इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या है, देखो परसेंटेज इफिशियंसी का फॉर्मूला हम आपको यहां बता देते हैं, इफिशियंसी का फॉर्मूला है एम ए बाय वी आर इन टू 100, ये फॉर्मूले से आप आसानी से वी आर फाइंड आउट कर सकते हैं, वी आर मतलब वेलोसिटी रेशियो। तो चलो फाइनली यहां से वेलोसिटी रेशियो फाइंड आउट करेंगे, वो वेलोसिटी रेशियो हम यहां पुट करके डब्ल्यू आई और पी आई फाइंड आउट करेंगे, फिर वो पी आई और डब्ल्यू आई हम यहां पुट करके पी एफ और डब्ल्यू एफ फाइंड आउट करेंगे, तो प्रॉब्लम वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन
लेकिन यहां पे अगर आपको यहां से VR फाइंड आउट करना है तो आपको MA का वैल्यू पता होना चाहिए। MA हमें यहां पता है क्या? नहीं पता है। MA मतलब क्या? MA मतलब मैकेनिकल एडवांटेज। तो यहां पे मैकेनिकल एडवांटेज दिया हुआ ही नहीं है तो वो हमें अलग से निकालना पड़ेगा। तो चलो मैकेनिकल एडवांटेज हम पहले निकालेंगे, देन उसके बाद हम यहां से प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो मैकेनिकल एडवांटेज हम फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे तो हम यहां लिखेंगे मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला, इसका भी एक फार्मूला होता है स्टैंडर्ड, तो हम यहां लिखेंगे मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला होता है W बाय P। तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, W माने लोड, P माने एफर्ट। लोड और एफर्ट हमें दिया हुआ है तो ये हो गया 100 बाय 8। तो 100 बाय 8 कितना? 12.5। तो फाइनली हमें यहाँ पे एम ए मिल गया, इट मीन्स मैकेनिकल एडवांटेज हमें मिल गया। इसका यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमें MA मिल गया। अब ये MA हम यहां पुट करेंगे और VR फाइंड आउट करेंगे। तो चलो ये इफिशियंसी का फॉर्मूला यहां पे लिखो, तो हम यहां पे लिखेंगे इफिशियंसी फॉर्मूला। सबसे पहले लिखना होता है इफिशियंसी, दैट इज परसेंटेज N इक्वल्स टू MA बाय VR इंटू 100। ये फॉर्मूला है, बस यहां पे सभी का वैल्यू पुट कर दे जाओ, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। इफिशियंसी कितना है? 60%। देखो यहां पे 60% दिया हुआ ही है और यहां पे MA का वैल्यू कितना है? 12.5 हमने ऊपर फाइंड आउट किया है और VR हमें फाइंड आउट करना है इंटू 100। तो चलो अब इसको सॉल्व करके VR फाइंड आउट करेंगे। और इसके लिए हम क्या करेंगे? VR को इधर लेके आओ, 60 को उधर लेके जाओ। इसका मतलब इन दोनों का पोजिशन एक्सचेंज कर लो। तो पोजिशन एक्सचेंज करने के बाद क्या रहेगा? ये ऐसा रहेगा, VR इक्वल्स टू 12.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा दैट इज 60। ठीक है, ये काफी आसान है। हमने 60 VR की जगह लेके गए, VR 60 की जगह आ गया, तो यहां पे ऐसा बन गया। और ये हमें बस कैलकुलेटर में सॉल्व करना है। तो देखते हैं कैलकुलेटर में इसका आंसर क्या आता है। तो हम लिखेंगे 12.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 60। तो ये आ चुका है, दैट इज ये जस्ट अ मिनट, ये आ चुका है दैट इज 20.833। तो ये 20.833 ये हमें VR यहां पे मिल चुका है। इसका भी यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, VR मतलब वेलोसिटी रेशियो हमें मिल चुका है। और ये वेलोसिटी रेशियो फाइंड आउट करने का फायदा क्या है? फायदा ये है कि ये वेलोसिटी रेशियो हमें ये दो फार्मूले में पुट करना है और यहां से PI और WI फाइंड आउट करना है। तो चलो ये फार्मूला यूज करेंगे और PI WI फाइंड आउट करेंगे। PI मतलब आइडियल एफर्ट। तो सबसे पहले हम आइडियल एफर्ट फाइंड आउट करेंगे, तो हम यहां लिखेंगे आइडियल एफर्ट। आइडियल एफर्ट दैट इज PI का फार्मूला होता है, दैट इज W बाय VR। तो चलो हम यहां पे वैल्यूज पुट करेंगे। W हमें पता है, W कितना है? 100 है, तो हम यहां लिखेंगे 100। और VR कितना है? 20.833 जो हमने थोड़ी देर पहले फाइंड आउट किए थे, ये देखो VR। तो फाइनली हमें यहां से PI का वैल्यू मिल जाएगा। तो PI कितना मिलेगा? कैलकुलेटर में हम यहां पुट करेंगे सभी वैल्यूज, 100 डिवाइडेड बाय 20.8, जस्ट अ मिनट, डिवाइडेड बाय 20.833। तो ये आ चुका है 4.8। तो ये हम लिखेंगे कितना? 4.8 न्यूटन। ये हमें PI मिल चुका है, PI मतलब आइडियल एफर्ट। अब इसी तरह से हमें आइडियल लोड फाइंड आउट करना है, दैट इज WI। और WI फाइंड आउट करने का फॉर्मूला ये P इंटू VR जो हमने बताया है। तो चलो हम यहां पे फाइंड आउट करेंगे आइडियल लोड। तो आइडियल लोड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, दैट इज आइडियल लोड WI इक्वल्स टू P इंटू VR करना है। तो P कितना है? 8। और VR कितना है? 20.833 जो हमने फाइंड आउट किए थे। तो यहां से हमें WI मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं WI कितना आता है। कैलकुलेटर का यूज करेंगे और यहां पे ये वैल्यूज पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे 8 इंटू 20.833, तो ये आ चुका है कितना? 166.664। तो ये हम लिखेंगे 166.664 न्यूटन। तो ये हमें PI और WI मिल गया। तो फाइनली हमें जो PF और WF चाहिए, तो PF और WF के लिए हमें PI और WI फाइंड आउट करना जरूरी था, वो हमने फाइंड आउट कर लिए। इट मीन्स आइडियल लोड और आइडियल एफर्ट, ये दोनों हमने फाइंड आउट कर लिए। और अब ये दो फॉर्मूले में पुट करो तो हमें PF और WF मिल जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम PF फाइंड आउट करेंगे। PF मतलब यहां पे एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन। तो हम यहां पे लिखेंगे दैट इज एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन। एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन, दैट इज एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन को PF से शो किया जाता है। फॉर्मूला है P माइनस PI। ठीक है, तो P हमें पता है, देखिए P कितना है? 8 है, तो हम यहां लिखेंगे दैट इज 8 माइनस 4.8। ठीक है, क्योंकि PI का वैल्यू 4.8 है, तो 8 माइनस 4.8 करेंगे तो आंसर कितना आएगा? ये आएगा 3.2। तो फाइनली हम यहां पे लिखेंगे 3.2 न्यूटन। तो ये हमें क्या मिला? ये हमें PF मिला। इट मींस
हमें एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन यहां पे मिल गया। इट मींस जो भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था उसमें पहला बीट जो है, ये देखिए पहला बीट जो है वो अब जाके हमने सॉल्व कर लिए। और अब सेकंड बीट की तरफ बढ़ते हैं, हमें डब्ल्यू एफ फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला आपके सामने है, डब्ल्यू आई माइनस डब्ल्यू, तो डब्ल्यू आई का वैल्यू आपके पास है और डब्ल्यू का भी वैल्यू आपके पास है, तो चलो दोनों फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन, लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन, और उसको डब्ल्यू एफ से शो करेंगे। फॉर्मूला होता है डब्ल्यू आई माइनस डब्ल्यू, तो ये है 166.664 माइनस 100, क्योंकि डब्ल्यू आई हमने ये फाइंड आउट किए थे और डब्ल्यू ऑलरेडी गिवन डाटा में दिया था। और अब यहां पे सब्सट्रैक्शन करने के बाद कितना बचेगा, 66.664 न्यूटन ऐसा बचेगा। तो फाइनली हमें यहां पे डब्ल्यू एफ मिल गया, डब्ल्यू एफ इट मीन्स यहां पे लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन मिल गया। इट मीन्स प्रॉब्लम यही पे कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने यहां फाइंड आउट कर लिए। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। तो ये था सिंपल लिफ्टिंग मशीन का प्रॉब्लम नंबर 6। इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके 5 प्रॉब्लम्स लिए थे, वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए। और इसके आने वाले वीडियोस में इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले के सभी वीडियोस देखने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपने अगर अभी भी अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।